तो ये तय पाया है कि ये बैठकर बात करेगा और हम बैठकर सुनेंगे। कोई मुजायका नहीं, जरूरत पड़ी तो हम भी बीच में बोल लेंगे। क्यों बेटा, क्या हम बीच में बात कर सकते हैं या सिर्फ तुम बोलोगे और हम सुनेंगे? मैं जानता हूं मैं आप दोनों का गुनहगार हूं। मेरे पे वाजिब था कि आप बोलें और मैं सुनूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, उसके बाद जो जी में आए कह दीजिएगा। बोलो। मैं इकरार करता हूं कि मुझे मालूम था कि वो सबके सामने इनकार कर देगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को लेकर वहां गया। शाबाश बेटा, खुशी हुई कि तुम हमें डूबने के लिए वहां ले जाओगे जहां पानी गहरा है। डूब तो मैं भी गया हूं अम्मी, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि मैं पार उतरना चाहता हूं। हाँ ठीक है, तुम बात करो। एक सवाल का जवाब चाहिए था मुझे। एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करने का हक है मेरे पास जो मुझे ठीक से जानते भी ना हो? तो फिर वो खत लिखने वाली कौन है? खत लिखने वाले को भूल जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब मुझसे ले लो। बेवफाओं को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे घरों में मुंह मारते फिरे। हया और शरा दोनों की हद लगती है तुम पर। मैं मौलवी सुभानअल्लाह का बेटा हूँ, कॉल देकर मुकर सकता हूँ और ना ही किसी से बेवफाई कर सकता हूँ। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे अब्बा से सवाल का जवाब पूछने दीजिए। मैं समझता हूँ कि ऐसी किसी लड़की से मोहब्बत करना मुनासिब नहीं है। ये किसी की हयादारी में नकब लगाने वाली बात है। नकब कैसी अब्बा? मैंने उसको कहा ना कभी मोहब्बत करने का हक जताया। तो फिर वहां क्यों ले गए थे हम दोनों को? मस्जिद क्यों चले जाते हैं आप? उसकी मोहब्बत में जाते हैं या मोहल्ले वालों की नौकरी करते हैं? या अल्लाह, ये कमीना तो काफिर हो गए। चुप रहो भैया, मुझे बात करने दो। नहीं बेटा, मैं नौकरी नहीं करता, मोहब्बत करता हूं उससे। तो कभी बात हुई उससे? उससे कभी मिले आप? वो किसी एक का महबूब हो तो मिले ना, और फिर वो तो कहता है मुझसे मोहब्बत करो। और जो ना करे उससे भी तो मोहब्बत करता है ना। दुनिया में हजारों ऐसे हैं जो उसको मानते हैं और ना ही उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो फिर भी उनसे मोहब्बत करता है ना। तो मैं भी खुदा के रास्ते पर चल पड़ा हूं, मोहब्बत करूंगा उससे, चाहे वो करे या ना करे। तो करो मियां, करते रहो, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आप मुझे इजाजत दे दीजिए। इजाजत मतलब लिख कर दे दूं कि किसी भी लड़की से गायबाना मोहब्बत जायज है तुम पर? जी नहीं, मैं हैदराबाद छोड़कर जा रहा हूं। कहां? कराची। ये तुम्हारे मुर्शिद ने कहा है कि वहां जाकर मोहब्बत का ये तबलीगी सिलसिला शुरू करो? मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूं अब्बा। तो फिर किस्मत आजमाओ ना बेटा, हमें ना आजमाओ। हमसे तो बस ये छोटी छोटी आजमाइशें लेते रहो, फिर ले जाओ किसी लड़की के घर, हम चले जाएंगे, इनकार सुनकर वापस आ जाएंगे और नींद की गोली खाकर सो भी जाएंगे।
आज भी नींद की गोली खाई हुई है हमने, लेकिन हम दोनों को नींद नहीं आई। पता है क्यों? तुम घर नहीं आए थे ना, अब तुम आ गए हो तो देखना कैसे गोली असर करती है। उठो रुकैया, इससे पहले कि ये हिजरत की बात दोबारा करे और मेरा दिल तड़प जाए, हम यहां से चले जाते। मैं जा रहा हूं अब्बा। कमीने, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती उसके लिए हैदराबाद छोड़ जाओगे, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें हैदराबाद में छोड़कर जाओगे।